हरे कृष्णा। इंदुलेखा देवी दासी की तरफ से आप सभी को जय श्री राधे। आज आप सबके समक्ष फिर से आने का अवसर मिला। जैसा कि हम सब ने अपनी लाइफ में अपना अपना टाइम डिवाइड कर लिया है, कोई अपना टाइम एडुकेशन के लिए, कोई अपना टाइम स्टडीज़ के लिए, कोई अपना टाइम वर्क के लिए, जॉब के लिए, सबके लिए हमने डिवाइड कर रखा अपना समय। सब ने अपने अपने प्रियजन निकट जनों के लिए अलग अलग समय निश्चित किया है। तो ये हम लोग का एक ये भी कार्य बनता है कि हम लोग की लाइफ में एक समय ऐसा भी होना चाहिए जब हम उनके पास जाएं, उनसे बात करें जिनके लिए हम बहुत प्रिय हैं। और ऐसा हितेशी तो हम सबका एक ही हो सकते हैं जो हम लोग के बुरे समय में, अच्छे समय में हम लोग की प्रसन्नता का कारण बनते हैं। तो वो तो एकमात्र हमारे श्री राधा रमन बिहारी जी ही हो सकते हैं। और ऐसे श्री राधा रमन बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है, उनका जन्मोत्सव है, उनकी विग्रह प्रतिष्ठा दिवस है। हमारे गुरु महाराज भक्ति वेदांत शिला सागर गोस्वामी जी महाराज, उनके अति प्रिय प्राण प्रिय श्री श्री राधा रमन बिहारी जी नोएडा में स्थित श्री गौर नारायण गौड़िया मठ में जो विग्रह हैं श्री राधा रमन बिहारी जी की गौर निताई, हमारे परम गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी जी महाराज, उन सबकी विग्रह प्रतिष्ठा दिवस है। वसंत पंचमी का वह तिथि है और 26 जनवरी 2023। आप सबका सादा सादा आमंत्रण है, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप सब अवश्य अवश्य आइएगा एक समय उनके नाम के लिए। और आपके संग एक इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे। रिसेंट हम लोग गुरुजी से बात कर रहे थे, गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी आपके बर्थडे का मनाने का थोड़ा मौका दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए हम लोग को। तो वो तो मना कर रहे थे, साफ मना कर रहे थे कि नहीं, जन्मदिन तो नहीं बनेगा। तो हम लोग तो गुरुजी को इंसिस्ट कर रहे थे, गुरुजी प्लीज़ 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 कन्विंस कर रहे थे, तो गुरुजी तो नहीं मान रहे थे। तो हम सब गुरु भाई गुरु बहन सब इसी के लिए प्लान कर रहे थे। तो गुरुजी ने हम लोग को डांटा और कहा कि अच्छा ये बताओ हमारे राधा रमन बिहारी जी को किसने प्रकट किया, कैसे प्रकट हुए। तो हम सब ने कहा गुरुजी आपके हृदय भाव से वो प्रकट हुए हैं। तो गुरुजी कहते हैं तो हमारे गुरुजी की कृपा से हम पे वो भाव आया और अब हम, और फिर जब राधा रमन जी प्रकट हुए हमारे हृदय से तो वही तो मेरा असली जन्मदिन हुआ, तो आप सब उसी दिन आना। तो उसके आगे तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। तो गुरुजी का जन्मोत्सव भी हम लोग 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अगर आप सब आएंगे, बहुत आनंद होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा समय आपको टाइमिंग एड्रेस कॉन्टैक्ट कोई भी क्वायरी कोई भी प्रॉब अगर आपको हो रही है तो आप सब नीचे कॉन्टैक्ट आपको गिवन है, आप सब उसमें हम लोग से बात कर सकते हैं। 24/7 नाउ डेज वी आर अवेलेबल। तो आप लोग बिल्कुल कोई भी क्वायरी हो आप पूछिए, कोई भी दिक्कत हो पर आप अवश्य आइएगा। और ये अवसर ना आप जाने दीजिएगा बिल्कुल भी। श्री हम लोग की विग्रह प्रतिष्ठा भी है और श्री गुरु महाराज का भी जन्मोत्सव हम लोग उसी दिन सेलिब्रेट करेंगे। गुरु जी महाराज का भी मन उसी दिन का है। तो आप सब अवश्य अवश्य आइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।